ओके okay, तो अब ना आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए हो मेरे ख्याल से इन ट्वेंटी चैप्टर्स में ठीक है मतलब बेसिक चीज़ें तो आपकी पूरी क्लियर हो गई अब सीधे हम ना वेबसाइट पे आते हैं और वेबसाइट के अंदर ही आ, कुछ कुछ जब हम चेंजेस करेंगे या कोई कोई नए एलिमेंट को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा तब आप लोगों को सीधे लाइव वेबसाइट में करके दिखाता हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि वेबसाइट्स को बनाना कैसे शुरू करना है ठीक है तो एक नया ले लेते हैं हमारा ट्वेंटी वंथ चैप्टर और इस पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एस टी एम एल लेआउट के बारे में ठीक है ले आउट डॉट एस टी एम एल ओके और सिंपल बॉयडर प्लेट ले आते हैं और टाइटल uh, दे देते हैं एस टी एम एल ले आउट ठीक है देखो इन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी एस टी एम एल फाइव जो चलता नया आया है उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे काम करता है ठीक है एस टी एम एल जो ओल्डर वर्जन है हम उसके बारे में भी बहुत कुछ सीख चुके हैं मैं उस पर भी अपन एक वेबसाइट बनाएंगे और जो जो आपको समझ में नहीं आया उसमें क्लियर हो जाएगा लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो एस टी एम एल फाइव है और उस पर कैसे वर्किंग करनी है उसका वायर फ्रेम कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है एक जनरल डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है ये मैंने आप लोगों के लिए भी निकाला गूगल से ठीक है देखो बेसिकली किसी भी वेबसाइट का ये एक पेज हो गया ओके सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम हेडर से डिफाइन करते हैं ठीक है थीके? आप वेबसाइट कैसे भी बना सकते हो वो आपके ऊपर है बट जो एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है सबसे पहला वाला पार्ट हेडर होता है इस हेडर पे हम टाइटल हेडिंग आ, अपनी कई बार नेविगेशन लिंक्स ये सब हम डिफाइन करते हैं ठीक है इसका क्लासेस अलग होता है इसका स्टाइलिंग पूरी अलग होगी इसका हम सब कुछ हाइट वीट सब सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से दूसरा जो होता है इसमें होता है नेविगेशन बार ये जो एन ए वी लिखा हुआ है ना इसको डिनोट किया गया है नेविगेशन के थ्रू जैसे कि आप कोई लिंक देना चाहते हो मेनू देना चाहते हो या कोई भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की लिंक देना चाहते हो पेज का इंडेक्सिंग करना चाहते हो आप इस एरिया पे कर सकते हो ठीक है तीसरा दिया गया है सेक्शन सेक्शन क्या हो गया एक तरीके से जैसे हमें आ, किसी इमेज को शो करना है या कोई पर्टिकुलर लिंक को शो करना है या आ, कोई समरी को शो करना है ठीक है ये बॉडी नहीं है ये एक तरह से सेक्शन वाला एरिया जहां पे हम कुछ स्पेशल चीजों को शो करना चाहते हैं और उसके बाद आता है नीचे आर्टिकल आर्टिकल क्या होता है एक तरीके का इंडिपेंडेंट सेक्शन है और ये सेल्फ कंटेंट सेक्शन होता है आप इसमें जो चाहे वो लिखो कोई सेंस नहीं ये सेक्शन होता है असाइड असाइड क्या होता है कि किसी भी कंटेंट का साइड बार है यहाँ पर भी हम बाकी चीजें लिख सकते हैं और लास्ट सेक्शन हमारा जो होता है वो है फूटर फूटर मतलब किसी सेक्शन का फूटर ठीक है इस पर हम अपना साइट मैप दे सकते हैं या नेविगेशन बार की तरह अपनी लिंकिंग भी दे सकते हैं साइट की तो आप कंफ्यूज मत हो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ों को ना यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि ये क्या क्या होता है ठीक है मैं यहाँ पे एक H2 टू ले लेता हूँ पहले और एस टू में लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऐसे कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पे अब एक हम यहाँ पे क्या करें यहाँ पे एक यू एल ले ले लेते हैं ठीक है और यू एल पे मैं कुछ नहीं लिखता इसके सीधे नीचे आता हूँ यहाँ पे मैं एल आई बनाता हूँ एक एक लिस्ट बनाता हूँ और इसके अंदर पहले डिफाइन करता हूँ आपको हेडर ये हेडर क्या होता है ठीक है देखो हेडर क्या है बेसिकली इट डिफाइंस अ डॉक्यूमेंट हेडिंग ठीक है डिफाइन्स फॉर अ डॉक्यू सॉरी डी ओ एक्चुअली मैं न मेरा टाइपिंग कर करके कर करके कर 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 मैं रात भर कोडिंग किया हूं इसलिए मेरा हाथ जो है वो थोड़ा सा झाम हो गया है ठीक है हम एक काम करते हैं नीचे एक और लिंक बनाता हूँ ठीक है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नव जो हमारा सेकेंड वाला था ना ये वाला नव हैडर हो गया अब नव हो गया ठीक है नव को क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स ऐसे लिख देता हूँ ठीक है आप लोगों के रिफरेंस के लिए ठीक उसके बाद हमारा क्या था सेक्शन था ठीक है सेक्शन सेक्शन के लिए सेक्शन सेक्शन क्या होता है इट डिफाइंस अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट ठीक ऐसे लिख देता हूँ चौथा है जो वो हमारा क्या है आर्टिकल ठीक आर्टिकल था हाँ आर्टिकल था चौथा ये स्क्रिप्टिंग पे ले लिया आर्टिकल ठीक है आर्टिकल क्या होता है ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट होता है ठीक है पहला तो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है इस पर आप कुछ भी दे सकते हो इमेज हो गया कर्सर हो गया कोई कुछ लिखना चाहते हो कोई लिंकिंग देना चाहते हो कुछ भी कर सकते हो ये बेसिकली एक तरीके का सेल्फ कंट सेल्फ कंटेनर बोलते हैं हम हम लोग इसको ठीक है सेल्फ कंटेंट में ऐसे लिख देता हूँ और कंटेंट uh, बोल लो या फिर है ना आप यहाँ पे मतलब कुछ भी दे सकते हो ओके उसके बाद फिर होता है हमारा असाइड ठीक है असाइड असाइड क्या है ये बेसिकली uh, कोई भी कंटेंट का जो साइड बार होता है ना जैसे हम साइड बार कहते हैं उसके तरह काम करता है ये ठीक है साइड बार डेफिनेशन ऐसे लिख देता हूँ मैं और uh, उसके बाद हो गया हमारा फूटर अब फूटर क्या करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट का फूटर डिफाइन करता है ये फूटर डेफिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट ठीक है ऐसे लिख देता हूँ तो इससे आपको जब आप फाइल डाउनलोड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें ना एक दो और सेक्शंस होते हैं जो कि इसमें नहीं दिए हुए हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ एक सेक्शन होता है इसमें डिटेलिंग बोलते हैं उसको डिटेल्स डिटेल सेक्शन क्या करता है कि आ, कोई भी जो एडिशनल डिटेल अगर कोई यूज़र देना चाहता है या फिर डिमांड करना चाहता है जिसे हम कमेंट सेक्शन बोलते हैं ठीक है थीके? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ डिफाइंस डिफाइंस एडिशनल ऐसे कर देता हूँ एडिशनल डिटेल्स ठीक है द यूज़र कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट में दे देता हूँ कमेंट सेक्शन इस टाइप से ठीक है एल आई ठीक है अब यहां पे एक और होता है जिसे हम कहते हैं समरी इन सब का यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी आप ले लीजिए ठीक है ये क्या करता है बेसिकली ये एक डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ अ हेडिंग फॉर द जो डिटेलिंग हमने दी ना डिटेल्स इस एलिमेंट का होता है ठीक है जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि थ्योरी जाननी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिकल तो आप कर लोगे लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा ना तब वहाँ पे आप फेल हो जाओगे ठीक है तो इसीलिए बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा तो अब एक काम करते हैं फटाफट से एक वेबसाइट दिखते हैं ठीक है जहाँ पर हम अब मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कि कैसे काम करती है तो एक नया फॉर्म फाइल बना लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूं सेम 21 वन एस टी एम एल लेआउट पार्ट वन ऐसे कर देता हूं। ओके अब यहाँ पे ले आते हैं अपनी बॉयलर प्लेट और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ एस टी एम एल पेज विथ सी एस एस इसमें हम सी एस एस से भी थोड़ा सा काम करेंगे ताकि मैं आपको आ, इसकी स्टाइलिंग भी दिखा पाऊँ ठीक है इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद में आप समझो हम इसमें मैं मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ एक तरह से एक काम करता हूँ ना एक पेज ले देता हूँ पेंट और इस पर देखो मैं क्या करूँगा ये एक वेबसाइट बनाता हूँ ठीक है एक ये एक वायर फ्रेम बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि क्लियर हो जाए कि हम क्या चाहते हैं मैं ये जो सेक्शन है ऊपर का यहाँ पे मैं हेडिंग कर दूँगा सॉरी मुझे इसकी आदत नहीं है ये ठीक है और ये जो सेक्शन है हमारा नेविगेशन बाहर है तो यहाँ पे अपन लिंक दे, दे देंगे एक दो तीन वन टू थ्री मेनू टाइप की एक लिंक दे देंगे लेकिन इस तरह से लेंगे अभी ठीक है और तीसरे सेक्शन पे मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ या फिर आर्टिकल ले, ले लेता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल दूँगा छोटी सी और इतने एरिया में मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ यहाँ पे एक पैराग्राफ एक पैराग्राफ यहाँ दे देता हूँ वन और एक पैराग्राफ यहाँ दे देता हूँ टू ये दो पैराग्राफ दे देता हूँ ठीक है पी पी ऐसे लिख देता हूँ और ये जो नीचे वाला सेक्शन है इस सेक्शन पे अपन फूटर बना लेते हैं फूटर ठीक है सॉरी गाइज मैं माउस से लिख रहा हूँ ना तो <laughs> मुझे भी लिखते नहीं बन रहा है बट आप लोगों को समझाने के लिए आई थिंक सफिशियंट है ठीक है तो एक इस तरीके का हम एक डिज़ाइन करते हैं और उस पर थोड़ा सा कलरिंग वगैरह भी अपन दे देंगे ठीक है तो ये कैसे करना है देखो फर्स्ट वाला पेज तो हमारा ये हो गया क्लियर पूरा टाइटल हो गया हमारा एस टी एम एल पेज भी थ्री एस एस जो टाइटल यहाँ पे रहेगा ये हमारा क्लियर हो गया अब इसको सेव कर लेता हूँ मैं लाइव सर्वर पे जाता हूँ और सीधे उस पेज को ओपन करता हूँ बैक सेव और ट्वेंटी वन पार्ट वन ठीक ये हमारा पेज आ गया ये आ गया एस टी एम एल पेज विथ सी एस एस हमारा टाइटल ठीक है अब उसको डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मैंने जैसे बताया यहाँ पे कि सॉरी पेंट पे पेंट 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 ये हेडिंग देंगे हम ठीक हैडिंग के बाद में पैराग्राफ दे देंगे या कुछ और लिख देंगे ठीक है तो एक हेडर दे देते हैं ठीक सबसे पहले हमारी बॉडी पे आ, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा हेडर ऐसे ओके और इस हेडर पे मैं क्या करूँगा अपना एच टू देता हूँ हेडिंग के अंदर ऐसे कर देते हैं रुको आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक हैडिंग हे, हेडर हैडर के अंदर मैं दूँगा एच टू और इसके अंदर लिखूँगा ऑल द नहीं इसके अंदर मैं सिंपल लिखता हूँ सिटीज ऐसे कर देता हूँ ठीक है या फिर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एस टी एम एल सॉरी एस टी एम एल ठीक है ये मैंने हेडर दे दिया अब मैं इस हेडर को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे और कुछ नहीं देना है यहाँ पे अभी मेरा मन ही नहीं है देने का तो मैं भी नहीं दूंगा अब यहाँ पे हम दूसरा ले लें क्या ले लें हमारा नव वाला एरिया तो यहां पे हम दे देते हैं सेक्शन और सेक्शन के अंदर हम दे देते हैं नेविगेशन लिंक इसको हम एन ए वी से डिनोट करते हैं ठीक है और इसके अंदर मैं एक काम करता हूं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ यू एल ठीक है और यू के अगर यू एल एल आई ये सब के बारे में आपको नहीं पता ना अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट तो एक पुराना वाला चैप्टर है मेरा आप उसमें से जाके आप देख लेना आई थिंक वो है चैप्टर नंबर सिक्सटीन है ना ये वाला ये देखो एस टी एम एल लिस्ट लिखा हुआ है चैप्टर नंबर सिक्सटीन में मैंने बताया हुआ है ये सब के बारे में अच्छे से आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा ठीक है अब अनऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में इसको आ, नीचे ले आते हैं और यहाँ पर हम लिस्ट में देते हैं लिंक ठीक है क्योंकि मेनू में हमेशा लिंक होता है तो हम लिंक देंगे लिंक के लिए हमको क्या करना पड़ता है ए, ओके? जो हमने किया था अब यहाँ पे एच आर ई एफ से हम सोर्स दे देते हैं सोर्स में मैं अभी कुछ नहीं देता तो मैं हैश लगा दूंगा हैश अगर आप सोर्स में नहीं लगाओगे अगर आपको मान लो कोई पेज को खाली रखना है और आप अगर वहाँ पे हैश नहीं लगा रहे हो तो हमेशा पेज नॉट डिस्प्लेड हो जाएगा पेज में एरर आ जाएगा 404 जो एरर आता है वो तो वैसा आपको नहीं करना है मैं आपको उसको भी करके दिखाता हूँ पहले कोड कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है अब उसके बाद में मैं यहाँ पे पहला एस्टीमेट टोटोल का नाम दे देता हूँ पहला लिख देता हूँ यहाँ पे एस ठीक है अब यहाँ पे दूसरा बनाता हूँ दूसरा में भी फिर मैं लिंक देता हूँ अब इसमें लिंक मैं सेम और इसको दे देता हूं सी एस एस ठीक और तीसरा लिंक लिस्ट बनाते हैं तीसरी लिस्ट में हम दे देते हैं एक मिनट तीसरी लिस्ट में हम दे देते हैं जावा स्क्रिप्ट ऐसे करते हैं ठीक है जावा स्क्रिप्ट ओके ये तीन हमने एक लिंक दे दी अब आपको दिखाता हूं मैं ये कैसा दिख रहा है देखो सिंपल है ना अभी कोई वेबसाइट के फॉर्मेट में नहीं है ये हम सिंपल कोडिंग कर रहे हैं ठीक है अब जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ये हैश नहीं दोगे तो क्या होगा तो देखो अगर मैं एस से अभी हैश को हटा देता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा है अब रीज़न ये है यहाँ पर 404 एरर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं अभी हम सर्वर पे काम नहीं कर रहे जब आप सर्वर पे काम करोगे ना तो कोई भी सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट पेज एरर के लिए अपना एक पेज डिफाइन करके रखता है 404, 405, फोर 408, 9 अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए वो एरर पेज को शो करता है तब जब यहाँ पर फोर आप कोई भी इस बटन को क्लिक करेगा यहाँ पर फोर फोर एरर आ जाएगा तो आप वैसा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वेबसाइट आपकी यूजर फ्रेंडली नहीं लगेगी अच्छी नहीं लगेगी तो आपको क्या करना है सिंपल यहाँ पे जिस भी पेज में आप नहीं देना चाहते लिंक अभी फ़िलहाल के लिए वहां पर आप हैश दे देना जब आप हैश दोगे तो क्या होगा ये जो एरिया है ना ये क्लिक करने से इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा देखो यहाँ पर एक हैश बन के आ गया कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा मतलब तो लोगों को लगेगा कि ये क्लिकेबल है बट अभी इसमें कोई पेज के लिंक नहीं हुई है तो कम से कम खराब नहीं लगेगा या फोर फोर एरर नहीं आएगा ओके तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ठीक अब आप नीचे आ जाते हैं हमारा नेविगेशन सेक्शन जो है वो लगभग लगभग ख़त्म अब हम आते हैं अपने आर्टिकल में आ, जो हमने बनाया था ये हमारा हेडर हो गया हमारा ये वाला सेक्शन हो गया अब इसमें आ जाते हैं ठीक है इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक इसकी एक हेडिंग जैसा दूंगा और हेडिंग में के नीचे मैं अपना जो पैराग्राफ है वो दे दूंगा ठीक है तो सेक्शन ख़त्म कर लो सेक्शन के बाद में हम यहाँ से एक सॉरी 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 सेक्शन नीचे आ जाएगा मैंने सेक्शन के बारे में शायद आप लोगों को नहीं बताया ना सेक्शन क्या होता है ये जो एरिया है ना मेन हेडर और इसके नीचे ये जो एरिया है ना ये वाला पूरा एरिया फुटर के ऊपर जहाँ पे हम बाकी चीज़ें देंगे ये एरिया हमारा सेक्शन कहलाता है ठीक है ओके तो चलो अब ना नीचे आते हैं मैं आप लोगों को यहाँ से इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं हाँ ओके अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल लेता हूँ जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल ये वाला हमारा शीट ये सेक्शन हो गया हमारा ये सेक्शन के अंदर ही आर्टिकल लेता हूँ मैं अभी आर्टिकल को सेक्शन के अंदर डाल रहा हूँ ध्यान रखिएगा ना इतने पूरी एरिया में ठीक तो मुझे क्या करना है मैं पहले एक हैडिंग ले लेता हूँ आर्टिकल को मैं नीचे ले आता हूँ ठीक मतलब आर्टिकल सेक्शन के जस्ट ऊपर हो जाएगा तो सेक्शन को ऊपर कर लेते हैं ओके hmm. okay. यहाँ पर अब यहाँ पर मैं देता हूँ हेडिंग H1 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस टी एम एल क्योंकि हमारा पहला लिंक था एस टी एम एल का ठीक है तो ये हमने एक हेडिंग दे दी अब यहाँ पर मैं एक ले जाता हूँ पैराग्राफ और पैराग्राफ में सेम लॉरम जो मैंने आपको बताया था कि अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको वर्ल्ड वैप कर देते हैं तो ये छोटा हो गया लॉरम क्या हो गया लौरव हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एस का टेक्स्ट होता है अगर आपको कुछ लिखना नहीं है तो आप अपने पेज को शो करने के लिए एज अ डेमो इसको शो कर सकते हो ठीक है तो आप जब एल ओ आर एम लिखोगे ना तो वो यहाँ पे आ जाएगा देखो एक बार फिर करके देखते हैं एल ओ आर लिखोगे जैसे ही ये यह यहाँ पे शो हो जाता है ठीक है तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया अब इसको देख लेते हैं कि कैसी दिख रही है ये देखो इस तरीके से दिखेगी है ठीक है अभी हमने वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करी है सी पे काम नहीं किया है ओके अब इसके बाद में हमारा आर्टिकल वाला सेक्शन ख़त्म जो हमने यहाँ पे बनाया था ये सेक्शन ख़त्म अब फूटर पे आ जाते हैं ठीक जो हम सोच रहे थे वैसे ही काम हो रहा है पूरा अब फूटर पे आ जाते हैं ये आर्टिकल वाला सेक्शन ख़त्म अब नीचे आ जाओ आप ठीक है अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फूटर से एफ ओ ओ टी ई आर ओके और फूटर में हम कुछ नहीं देते हैं सिंपल मैं ना एक फूटर लिख देता हूं बस एक पैराग्राफ बना के फूटर एफ ओ ओ टी ई आर ओके फूटर ऑफ दिस पेज ऐसे कर देता हूं ठीक है सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है अब ये देखो ऐसे दिख रहा है फूटर ऑफ दिस पेज पैराग्राफ ले लिया अब ना इसको डिजाइन करते हैं हमारे वायर फ्रेम के हिसाब से जो हमने सोचा था ठीक है उसमें हम कलरिंग वलरिंग जितनी चीज़ें रहती हैं ना हम मैक्सिमम चीज़ें उस पर दे देंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ना बॉडी से शुरू करते हैं ये जो हमारी बॉडी है ना यहाँ से शुरू करते हैं ठीक है तो मैं आपको ना एक्सटर्नल सी एस एस पे नहीं यही इंटरनल सी एस एस पे करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करेंगे हम तो हम सबसे पहले क्या ले लें यहाँ पे स्टाइल ठीक है अब स्टाइल के बाद में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पहले तो हमारी बॉडी का और बॉडी पे कंडीशन मैं दे देता हूँ पहली मेरे को फ़ॉन्ट चाहिए सही तो मैं फ़ॉन्ट फोन फैमिली चूज़ कर लेता हूँ मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ एरियल हेलवेटा सेंसरिफ़ सेंसरीफ ठीक है इसको मैंने चूज़ कर लिया ठीक अब ये मेरा बॉडी फॉन्ट हो गया देखो चेंज हो गया ना फॉन्ट इसका ठीक है ये हमने पूरी बॉडी पे इंप्लीमेंट कर दिया ओके अब उसके बाद में मैं क्या करता हूं हेडर क्योंकि सबसे पहला वाला हमारा कौन सा एरिया था हेडर का तो अब हेडर में चेंज करते हैं और हेडर पे क्या लिखा हुआ है हेडर पे एस टी एम एल लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा ना अब आप अब देखो हम यहां पे अब लेंगे हेडर क्योंकि हमने इस सेक्शन को डिनोट किया है इसीलिए हम यहाँ पे हेडर ले रहे हैं कोई क्लास अलग से डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं ठीक है अगर आपको क्लासेस के बारे में पढ़ना है तो आप पुराना वाला एक चैप्टर है 18 ये वाला 18 वाला चैप्टर आप इस पे जाके पढ़ लेना आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस क्लासेस की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये मैंने हेडर ले लिया अब उस हेडर पर मैं कंडीशन दे देता हूँ क्या कंडीशन दे दूँ पहले तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर को मैं कुछ ग्रे टाइप में कर देता हूँ चॉकलेट ही कर देता हूँ ठीक है हो गया अब इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है देखो ये हो गया चेंज पहला अब इसकी पैडिंग चेंज कर लेते हैं पैडिंग इसकी कर देते हैं मान लो थर्टी पिक्सल कर देते हैं इसकी पैडिंग ओके और इसका जो टेक्स्ट है क्योंकि टेक्स्ट साइड पे है तो इसको सेंटर पे ले आते हैं टेक्स्ट को आ गया हमने पैडिंग भी हमारी इम्प्लीमेंट हो गई टेक्स्ट भी हमारा सेंटर पे हो गया ठीक है और इसका जो फॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा मुझको ना बड़ा कर लूँगे छोटा कर लेते हैं रुको जो इसका फॉन्ट साइज़ है पहले ये देखते हैं कि इसका फॉन्ट साइज़ है कितना तो पहले यहाँ पे अपन अपना एक पिक्सल डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपको थर्टी फाइव पिक्सल चाहिए लेट सपोज ठीक है suppose, अब देखते हैं कि ये बड़ा हो गया हाँ ठीक है इतना बड़ा ठीक है मैंने अभी ज़ूम किया हुआ था ना इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है अब देखो ये हंड्रेड परसेंट पर मैं ले आया ठीक है थोड़ा समय और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे ओके और यहाँ पर मैं कलर जो है ना उसका उसको वाइट कर देता हूँ तो और अच्छी दिखेगी हेडिंग अपनी देखो हो गई है ना? देखो सी एस एस कितना कम, कितनी कमाल की चीज़ है है नब सी एस एस हो गया हमारा अब एक काम करते हैं कि जो नेविगेशन बार है हमारा मतलब ये वाला एरिया अगर मैं यहाँ पे कुछ भी इम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या होगा वो पूरे सेक्शन पे लेगा और पूरे सेक्शन पे अपन नेविगेशन बार पे डिज़ाइनिंग करने में मज़ा नहीं आएगा तो एक काम करते हैं आ, टू कॉलम बॉक्सेस टाइप की चीज़ बनाते हैं और उसको एक दूसरे के साथ फ्लोट कर देते हैं मतलब एक कॉलम यहाँ बनाते हैं ऐसे और एक कॉलम ऐसे बनाते हैं ठीक है और उसको क्या करेंगे विट्थ जो है ना उसकी थर्टी सेवेंटी इस टाइप से कर देंगे ताकि मैं जो भी इम्प्लीमेंट करूँ वो इतने एरिया पे मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ठीक है हमको नव पे देना है नेविगेशन पे जो हमने दिया हुआ था ये तो मैंने नव पे किया ठीक है नेविगेशन पे अब यहाँ पे मैं उसकी कंडीशन दे देता हूँ तो पहले मैं उसको फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट ठीक है देखो क्लियर हुआ ये क्या हुआ ये वाला सेक्शन पूरा खत्म हो गया ये ऊपर आ गया अब आप डरिएगा नहीं इसको भी हम चेंज कर रहे हैं सेट कर रहे हैं इसको हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया अब उसके बाद में इसकी जो विथ है ना विथ अपन कर देते हैं मान लो थर्टी परसेंट ओवरऑल की देखो हो गई यहाँ तक आ गई विथ ठीक है अब विथ के बाद में इसकी जो हाइट है ना हाइट भी थोड़ी सी चेंज करते हैं हाइट को थ्री हंड्रेड पिक्सल कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट देखो हो गई इतनी आ गई ये वाला एरिया हट गया आपका ठीक है हम साइड वाला बना रहे थे ना ये एरिया क्या हुआ इधर आ गया ठीक अब इसका जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को कर देते हैं न्... न्... एक फंक्शन फिक्स्ड कर लें या इसका कलर देख लेते हैं इसको येलो कर लें क्या नहीं। जम नहीं रहा है कुछ और कलर टील आ... हम... ये कैसा लग रहा है चलो कुछ से कुछ अच्छा है ठीक है और इसका वो भी चेंज कर दें क्या कलर कॉलम हो गया सॉरी सी ओ एल ओ कलर वाइट देखते हैं ओके इम्प्लीमेंट हुआ है वो ए पे जाएंगे अपन ए पे करेंगे उसको तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी बैकग्राउंड को टील रहन देता हूँ आप लोगों के समझने के लिए ठीक है और थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं ना इसको ये देखने में थोड़ा सा तो यहाँ पैडिंग ले आते हैं अपन पैडिंग ले आता हूँ मैं ट्वेंटी पिक्सल तो ये खेसक जाएगा काफ़ी ठीक है अभी ठीक लग रहा है पूरी वेबसाइट पे हाँ ये हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ओके अब ना एक काम करते हैं वो ये तो हमने नव की कर दी पूरा काम ये जो था नव बार पे हमारा ये वाला अब हम थोड़ा सा ना यूएल पे भी काम कर लेते हैं जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है मतलब ये वाला जो सेक्शन है अभी तो हम इत, इस सेक्शन पर काम कर रहे थे अब इस पर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं पहले तो इसका जो ये है क्योंकि मेनू पे तो ऐसा रहता नहीं है ये हटा देता हूँ और इसकी थोड़ी पैडिंग कर देता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे नव का जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है मतलब यू एल है नव का जो यू एल है अब मैं उसकी कंडीशन चेंज करूँगा और उसकी कंडीशन में ये करूँगा कि जो उसका लिस्ट स्टाइल टाइप है मुझे वो नन चाहिए मैं नहीं चाहता वो जो बुलेट्स हैं वो वहाँ पे शो हों तो देखो बुलेट्स हट गई अब मैं इस पर थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ इस पर जो पैडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट ना वो है अभी कुछ और, और मैं इसको दे देता हूँ ज़ीरो तो देखो क्या होगा खिसक गया एकदम कॉर्नर पर आ गया ठीक आप जब देखोगे आप समझ जाओगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ तुरंत ठीक है अब ये वाला एरिया थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं इस एरिया पे आते हैं हमारा जो आर्टिकल वाला सेक्शन है इस सेक्शन पे ठीक है इसे बाद में करेंगे इस सेक्शन पे आते हैं ठीक तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा आर्टिकल लेना पड़ेगा सबसे पहले ये हमने आर्टिकल ले लिया और आर्टिकल पे अब मैं फिर से कंडीशन दे देता हूँ पहली कंडीशन दे देता हूँ कि इसका जो फ्लोट uh, है उसको पहले तो आप लेफ़्ट कर दो ठीक है आ गया है ना इसको आप रहने मत सोचना ये क्या लिखा हुआ है इसको हम सेट करेंगे अभी फूटर को ठीक है उसके बाद इसकी जो पैडिंग है उसको मैं कर देता हूँ ट्वेंटी पी ठीक सेव देखो खिसक गई थोड़ी सी अब थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही है इसको मैं सेव कर देता हूँ ठीक है और इस पर एक काम करते हैं ना इसकी जो विथ है वो थोड़ी सी ऊपर ले जाने के लिए क्योंकि उसकी हमने सेवन थर्टी दी थी, थी ना तो इसकी हम सेवेंटी कर देते हैं तो वो इधर हो जाएगा ओके हो गया है ना? अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर को इसके आ, कुछ लाइट ही देते हैं कुछ ब्लर वुड ये दे देते हैं ये कलर हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक है ओके और ओके हाइट भी है हाइट को भी करके देखते हैं एक बार हाइट को कर देते हैं वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन ठीक है अभी तो हाइट रहने देते हैं हाइट रहने देते हैं क्योंकि फिर वो पेज में शो नहीं होगा एक ही पेज में आप लोगों को फिर डेमो दिखाते बनेगा नहीं ठीक है चलो अब आ जाते हैं अपने सेक्शन पे मतलब अभी देखो हमने ये सब का लगभग लगभग कर दिया फूटर जो है हमारा सेक्शन में नहीं आता है ठीक है मैंने बताया था ना फूटर जो है वो यहाँ मैंने बताया था आपको फूटर जो है वो सेक्शन में नहीं आता है सेक्शन हमारा ये है तो इसके नीचे क्या क्या था हमारा ये वाला पेज और ये वाला पेज था तो मैंने सेक्शन को आजू बाजू बताया था ना आपको तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आ, ये जो एरिया है ना ये एरिया को पहले हम हटाना है हमको हमको खाली करना है ताकि ये वाला चीज़ जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सेक्शन ठीक है और इस सेक्शन पे दो कॉलन देना आप दो कॉलन पे क्या होता है कि उसके बाद जो चीज़ें हैं हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके बाद आफ्टर ठीक और आफ्टर के अंदर आप बोल रहे हो कि ये क्या क्या लिखते जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है मैं बैठा उसे ले धीरे धीरे जब आप ये देखते जाओगे आपको क्लियर हो जाएगा और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है सी का भी हम एक अलग से पूरा मैं सीरीज़ बनाऊँगा आपको डीपली समझाऊँगा कि ये सब चीज़ें करनी कैसे क्योंकि इसमें सब चीज़ें ना इमेजिनेशन का है सी एक्चुअली पूरा इमेजिनेशन है आप जो इमेजिन करोगे आप वही करोगे उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं है मतलब कोई आपको उस नॉलेज को आपके ऊपर थोप नहीं सकता है कि कैसे आप मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं अपनी सोच के हिसाब से डिजाइनिंग कर रहा हूँ और उसके हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ कि कितना बेस्ट मैं दिखा सकता हूँ बस यही है ओके तो ये सेक्शन फिर हमने डबल कोलन लिया आफ्टर मैं इसमें क्या है केवल फॉर्मेट्स आप देखो कि इस इस तरीके से फॉर्मेट्स होते हैं और इस पर वर्किंग की जा सकती है और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछना मैं देखता हूँ उसका जवाब दूंगा ओके हमने एक कंडीशन दे दी अब इस कंडीशन को क्या करता हूँ ये वाला जो एरिया ना जो हमारा कंटेंट था मैं उस कंटेंट को ना पहला तो ब्लैंक कर देता हूँ यार ठीक अब ब्लैंक करूंगा ठीक है तो यहाँ पे देखो कुछ शो नहीं हुआ अभी कंटेंट को मैंने ब्लैंक कर दिया है okay? ओके और जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले को मैं अब एज अ टेबल ले आता हूँ ठीक है ओके okay, इस सेक्शन का और अब क्या करता हूँ इसको क्लियर कर देता हूँ किसको दोनों को हो गया देखो फुटर आ गया नीचे यहां से हट के आ गया फुटर नीचे इस ये क्या था एक सीरीज पे चल रहा था पूरा हमने यहाँ का यहाँ किया तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हर चीज़ें ना बाजू में आती हैं इसमें एस टी पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप जो भी कुछ लिखोगे ना वो बाजू में आता जाता है तो हमने इन दोनों को सेट कर दिया था लेकिन फूटर बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं हुआ वो यहाँ पर आके चिपक गया तो मैंने क्या किया उसके कंटेंट को वहाँ पर पे स्पेस दे दिया ठीक है और उसको टेबल जैसे डिस्प्ले कर दिया और मैंने बोला कि जो दोनों कंटेंट हैं देखो इसमें लिखा भी है आप जैसे यहाँ करोगे ना तो देखो क्या लिखा हुआ है इंडिकेट विच साइड ऑफ द एलिमेंट बॉक्स में नॉट बी एडजेसेंट टू एन अर्लियर फ्लोटिंग बॉक्स तो एक काम करता हूँ मैं आपको ना बाय डिफॉल्ट सेट करता हूँ पहले तब आप लोगों को और प्रॉपरली समझ में आएगा hmm. यहाँ पे ना ऊपर पे यहाँ पे काम करता हूँ मैं देखो क्लिक हो गया ये ये जो आपको बता रहा हूँ ना इसको हम रिसेटिंग कहते हैं पूरे पेज पे वो इम्प्लीमेंट होता है ठीक है ये उसके बाद मतलब ये क्या हो गया एक तरीके से स्टार हमारा क्या है होल सोल पे मतलब जो भी मैं इसमें लिखूँगा ना वो सब जगह इम्प्लीमेंट होगा तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ बॉक्स की साइजिंग दे देता हूँ और बॉक्स की साइजिंग दे देता हूँ बॉर्डर बॉक्स देखो हो गया क्लियर ठीक है ओके अब आप देखो इसमें क्या है इतना एरिया हमारा क्लियर अब मैं और लिखना चाहता हूँ एक और पैराग्राफ तो वहाँ पे एक और पैराग्राफ दे देता हूँ तो इससे बराबर हो जाएगा मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ दे देता हूं पी और उस पर कर देता हूँ लॉरम अब आप देखो ये बराबर हो गया ठीक है ठीक अब नीचे आ जाते हैं फिर से और यहाँ पे हमारा एक सेक्शन छूटा है कौन सा सेक्शन हमारा फूटर और फूटर पे मैं कंडीशन दे देता हूँ फूटर को भी अच्छा बना देते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ब्लैक ओके और उसकी पैडिंग भी थोड़ी सी खिसका देते हैं पैडिंग कर लेते हैं उसकी टेन पिक्सल एक बार देख भी लेते हैं कैसा लग रहा है ये आ गया कलर को वाइट करना पड़ेगा ठीक है आ, कलर को वाइट कर देते हैं और उसका जो न, अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले आते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले आते हैं तो वो बीच में आ जाएगा देखो आप समझ रहे हो ये देखो एक छोटी सी जो एक वेबसाइट है ना एक तरह से बनके तैयार है मतलब ये जो आपका पेज है वो हेडर है ठीक ये आपका नेविगेशन बार हो गया और ये एरिया पूरा आपका सेक्शन हो गया और उस सेक्शन के अंदर में हमने आर्टिकल ले लिया और ये यहाँ पे नीचे में फुटर है ठीक है तो ये इस तरीके का एक पेज बनता है अब इसमें क्या होता है जब आप इसको ना एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को एक रेस्पॉन्सिव लेआउट एक टर्म होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी वेबसाइट को अगर हम मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो वो मोबाइल जैसी शो हो तो ये इसके लिए क्या करना होता है उसको हम रेस्पॉन्सिव लेआउट कहते हैं आजकल जितनी वेबसाइट बन रही है ना वो सारी रेस्पॉन्सिव लेआउट वाली बन रही हैं ताकि आप मोबाइल पर भी उस साइट को अच्छे से व्यू कर सको तो देखना फॉन्ट चेंज हो जाते हैं पिक्चर्स चेंज हो जाती हैं उनके हाइट वेट सब चेंज हो जाते हैं और हर मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाते हैं तो उसके लिए हर वेबसाइट आजकल रिस्पॉन्सिव लेआउट पे बनती है क्योंकि मैक्सिमम लोग वेबसाइट्स को मोबाइल से आजकल व्यू कर रहे हैं ठीक है लैपटॉप में केवल कोडर्स या अकाउंट वाले लोग ही ज़्यादातर काम करते हैं बाकी सब मोबाइल पे काम करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं मीडिया ठीक है सी एस एस पे हम डिस्कस करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ बस अभी ठीक है ये जो मीडिया होता है ना एम ई डी आई ए ये वाला मीडिया ये मीडिया पे मैं अगर मान लो सेट करता हूँ कि कोई भी मोबाइल या किसी में भी अगर मैक्स जो वित्थ है वो 600 प्लस जाती है तो क्या करना है तो मैंने कंडीशन दे दी मैक्स ठीक है और मैक्स मैंने दे दिया विट, ओके मैक्स वेट दे दिया और मैक्स वेट मैंने मान लो यहाँ पे दे दिया 600 हंड्रेड पी एक्स ठीक है और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दे दी कंडीशन में दे दिया कि जो नेविगेशन बार है हमारा नव ठीक वो नव प्लस जो हमारा आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल इस पे जो विथ रहेगी W आई विड्थ रहेगी वो रहेगी हंड्रेड परसेंट क्योंकि हम उस पर तो मैक्सिमम चीज़ें हम चेंज चीज़ नहीं कर सकते ना हंड्रेड परसेंट ओके और जो इसकी हाइट रहेगी वो हाइट बाकी लोगों की हाइट के हिसाब से आप मैनेज कर लो तो मैं इसको कर देता हूँ ऑटो ठीक है ये ना कुछ इस तरीके से काम करता है तो अगर मैं इसको इसमें खैर मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको किस में शो करूं, नहीं तो ये क्या होता है ना अच्छा इसमें दिखाता हूं देखो आप लोगों को इसको ना थोड़ा सा वैसे करके आ, देखो अभी मैं इसको खिसकाऊंगा तो ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट खिसक गया आप देख रहे हो ये देखो ये मोबाइल की स्क्रीन के जैसा बन गया ना देखो मोबाइल की स्क्रीन बन गई ठीक है और जब मैं इसको वापस ले आया क्योंकि क्या हुआ मैंने उसको बोला कि जब मैक्सिमम वेट आएगी तो अलग साइज उसको 100 परसेंट में शो कर देना ये देखो शो कर रहा है वो लेकिन अगर वो छः से नीचे जाता है तो ऐसे शो करेगा तो मोबाइल पे जब हम इसको देखेंगे ना इस पेज को तो वो इस तरीके से दिखेगा अब क्या होता है अगर मैं उसको नहीं करता मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अगर मैं इसको नहीं करता ये मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ ये कंडीशन को हटाओ ओके okay. तो देखो अब क्या होगा मैं वापस लेके आता हूँ इसको ऐसे और ये देखो कैसे शो हो रहा है ये ये देखो कैसे शो हो रहा है ठीक है अभी तो इसमें एक दो कंटेंट डले हैं लेकिन जब ज़्यादा कंटेंट डलेंगे तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं रहेगा ठीक है बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा ऐसे देखने में एक वेबसाइट जैसा ही दिखेगा ये पूरा तो मुझको ऐसे नहीं चाहिए मैं चाहता हूँ मोबाइल के फॉर्मेट में तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा ठीक है स्टाइलिंग कहाँ से छूटी है क्या कुछ ओके इसको फिर से करते हैं देखो हो गया? टैबलेट में कुछ ऐसा दिखेगा ये तो जो मैंने आपको अभी बताया ना इस मीडिया के बारे में इसको लेके बहुत कंफ्यूज मत होना आप लोग ठीक है ये हम अच्छे से इस पर बातचीत करेंगे कि इस पर वर्किंग जो है वो कैसे की जाती है ठीक है इसके बाद ना एक और टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं एस की ले टेक्निक तो मैं उसके बारे में भी शेयर करूँगा आप लोगों से अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये कंडीशन हमने नहीं दी ओके हम्म ठीक है तो हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं तो अभी इस चैप्टर पे इतना ही करते हैं और इसके आगे वाले चैप्टर पे हम ना लेआउट की टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके की लेआउट टेक्निक्स होती हैं और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और भी अच्छी वेबसाइट जो है हमारी दिख सकती है वो कैसे दिखेगी हम उस पर बात करते हैं ठीक है ओके okay.